I am Professor N. V. Chatter, welcomes you all in the 35th lecture of Electrical Measurements. My dear students, we have discussed about the VI method to measure the low and medium resistance in the last lecture, right? Then we have discussed about the Kelvin's double bridge method for measurement of unknown resistance, its derivation. We have derived one formula, that is X is equal to S into P by Q. Then we have solved some examples on Kelvin's double bridge. Then we have discussed about the Wheatstone's bridge. Its formula can be derived as R1 by R3 is equal to R2 by R4. Then we have solved some examples on Wheatstone's bridge. So that much of syllabus we have covered in the last lecture. Now, in today's lecture, we are going to discuss about the measurement of inductance by Maxwell's inductance bridge. ठीक है, तो ये हमें Maxwell's inductance bridge use करना है, हमें अगर measurement करना है inductance का, ठीक? Inductance का measurement लेना है, तो हमें Maxwell's inductance bridge use करना होता है. उसके लिए ये यहाँ diagram दिखाई है, देखो. अब ये bridge है आपका, तो ये bridge में यहाँ पे देखो ये Z1 है आपका, यानी इसमें रेजिस्टेंस R1 एंड L1 कनेक्टेड है, ठीक है. और ये आपका अननोन इंडक्टेंस रहेगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है या फिर डिटरमाइन करनी है. ये L1 के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है. ये Z1 है आपका. Z2 में देखो यहाँ पे R2 है आपका, L2 है एंड स्मॉल R2 है, ठीक है. देन आपका ये Z3 है आपका, तो इसमें सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है R3, और यह है आपका Z4, इसमें भी प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है R4. इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज मेजर करेंगे हम वो रहेगा E1. ये Z1 के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो रहेगा E1. ये Z2 के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो रहेगा आपका E2. Z3 के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो रहेगा आपका E3. एंड Z4 के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो रहेगा आपका E4. और ये यहाँ पे एक बैटरी सोर्स कनेक्ट किया है, ठीक है. इसको AC सप्लाई देना है, ठीक है. तो ये EMF सोर्स है. सो यहाँ पे एक स्विच भी कनेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है. और ये आपके टर्मिनल साइड A, B, C एंड D, ठीक है. सो यूजिंग दिस ब्रिज वी कैन मेजर इंडक्टेंस बाय कंपेयरिंग इन इट विथ स्टैंडर्ड वेरिएबल सेल्फ इंडक्टेंस. हमें ये ब्रिज यूज करना है ताकि हम इंडक्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकें. तो क्या कैसे मेजर करनी है, यहाँ पे कंपेयर करना है अपने को बाय कंपेयरिंग इट विथ अ स्टैंडर्ड वेरिएबल सेल्फ इंडक्टेंस. जिसकी वैल्यू निकालनी है जो इंडक्टेंस की, वो हमें एक स्टैंडर्ड वेरिएबल सेल्फ इंडक्टेंस से उसको कंपेयर करना है, और तब हम वहाँ पे ये ब्रिज के हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं वहाँ की इंडक्टेंस की वैल्यू. चार अरेंज इन ब्रिज सर्किट, वो आपके ब्रिज सर्किट में अरेंज होने चाहिए, ठीक है, समझ लो. हाँ, मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज यूज कर तो अपन इंडक्टेंस मेजर करने साथी. आणि तो इंडक्टेंस आपल्याला काय करायचा आहे, तिथल्या एका स्टँडर्ड व्हेरिएबल सेल्फ इंडक्टन्स सोबत कम्पेअर करायचा आहे, जो आपला त्या ब्रिज सर्किटमध्ये अरेंज केलेला असेल किंवा कनेक्ट केलेला असेल, ठीक आहे. Now this bridge circuit measures an inductance by comparing with variable standard self inductance. हा जो ब्रिज सर्किट आहे तो काय मेजर करतो, इंडक्टन्स मेजर करतो. कसा मेजर करतो, बाय कंपेरिजन विथ अ स्टँडर्ड सेल्फ इंडक्टन्स. तो आपण एका व्हेरिएबल स्टँडर्ड सेल्फ इंडक्टन्स सोबत कंपेरिजन करतो त्याचा, आणि आपण तिथला इंडक्टन्स या ब्रिज सर्किटच्या सहाय्याने मेजर करतो. इथं L1 म्हणजे आपला अननोन इंडक्टन्स आहे ऑफ द रेजिस्टन्स R1, देन L2 बी द व्हेरिएबल इंडक्टन्स ऑफ अ फिक्स्ड रेजिस्टन्स R2, ठीक है. L1 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये L1 है आपका, अननोन रेजिस्टेंस है वो, ये इंडक्टेंस है आपका वो रेजिस्टेंस R1 का. देन L2 आपका वेरिएबल इंडक्टेंस है फिक्स्ड रेजिस्टेंस R2 का. ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है आपका R2, और इसका इंडक्टेंस क्या है आपका L2, ठीक है. वेरिएबल इंडक्टेंस है L2. देन R2 बी द वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द इंडक्टर L2. R2 क्या रहेगा आपका, वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा, वो जो कनेक्ट
सीरीज में कनेक्ट किया होगा आपके इंडक्टर एल टू से। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको आर टू एंड एल टू, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ये स्मॉल आर टू आपका फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर टू आपका क्या है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। और ये दोनों आपका कैपिटल आर टू और ये वेरिएबल इंडक्टेंस, ये दोनों वेरिएबल है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे एरो दिखाया है। आर थ्री एंड आर फोर नोन एज द इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस, आर थ्री एंड आर फोर आपके नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस रहेंगे, ठीक है। सो द ब्रिज इज बैलेंस्ड बाय वेरिंग एल टू, यहाँ पे हमको एल टू को वेरी करके ब्रिज को बैलेंस करना है। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिटेक्टर डी शुड शुड बी एट बैलेंस, और जो आपका करंट फ्लो हो रहा है डिटेक्टर डी में से वो आपका बैलेंस करंट होना चाहिए। ये डिटेक्टर यहाँ पे कनेक्ट किया है, ये इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो आपका बैलेंस होना चाहिए। और वो बैलेंस कैसे करना है आपको, वैरी करके, इंडक्टर एल टू को वैरी करके हम ब्रिज को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन ला अपन इक्वेशन ले सकते हो, जेड वन जेड फोर इज इक्वल टू जेड टू जेड थ्री। जेड वन जेड फोर ये समोरा समोर से कहे, जेड वन जेड फोर इज इक्वल टू जेड टू जेड थ्री, ठीक है। मग जेड वन चा फॉर्मुला काय लिहिता येईल आपल्याला, आर वन प्लस जे ओमेगा एल वन, ठीक है, कारण इथं आर वन आणि एल वन कनेक्टेड आहेत आपले या जेड वन मध्ये। सो आर वन प्लस जे ओमेगा एल वन ही जेड वन ची व्हॅल्यू असते, आणि जेड फोर आपला प्युअर रेजिस्टन्स आहे ज्याच्यामध्ये कनेक्ट केलेला आर फोर असणार आहे। तो झेड टू ची व्हॅल्यू सिमिलरली आपली आर टू प्लस जे ओमेगा एल टू राहील, आणि झेड थ्री हा प्युअर रेजिस्टन्स आहे आपला, सो आर थ्री राहील। याला मल्टीप्लाय करून घेतलं आपण ब्रॅकेट मध्ये, सो आर वन आर फोर प्लस जे ओमेगा आर फोर एल वन दॅट इज इक्वल टू आर टू आर थ्री प्लस जे ओमेगा आर थ्री एल टू रही। सो इक्वेटिंग रियल टर्म्स, इसमें से रियल टर्म आपको इक्वेट करने हैं, ये रियल टर्म है और ये रियल टर्म है और ये आपकी इमेजिनरी टर्म है। जे ओमेगा की जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, जे ओमेगा जिसका, वो आपकी इमेजिनरी टर्म रहेगी, ठीक है, और ये रियल टर्म रहेगी, ठीक है। मग रियल टर्म्स कुठले आहेत यामधले, आर वन आर फोर इज इक्वल टू आर टू आर थ्री। याच्यावरून आर वन चा फॉर्म्युला काय लिहिता येईल आपल्याला, आर टू इंटू आर थ्री डिवायडेड बाय आर फोर, ठीक आहे, ही झाला आर वन चा फॉर्म्युला। आता आपल्याला इमॅजिनरी टर्म सुद्धा इथं इक्वेट करायचे आहेत। इमॅजिनरी टर्म आहेत आपली जे ओमेगा आर फोर एल वन इज इक्वल टू जे ओमेगा आर थ्री एल टू। याच्यावरून जे ओमेगा कॅन्सल झालं, सो आर फोर एल वन इज इक्वल टू आर थ्री एल टू राहील, आणि याच्यावरून मग एल वन चा फॉर्म्युला काय मिळेल आपल्याला, आर थ्री डिवायडेड बाय आर फोर इंटू एल टू। सो फ्रॉम धिस फॉर्म्युला वी कॅन इझिली मेजर द व्हॅल्यू ऑफ अननोन इंडक्टन्स दॅट इज एल वन, क्लिअर आहे। हा असा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला। सो धिस इज कॉल्ड एज मॅक्सवेल्स इंडक्टन्स ब्रिज, समज में आया। अभी इसके ऊपर का एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे क्या क्या दिया है। देखो एग्जाम्पल में, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस रिक्वायर्ड टू बैलेंस द ब्रिज इफ द फोर आर्म्स ऑफ द मैक्सवेल्स ब्रिज आर अरेंज्ड एज फॉलोज। आर्म्स ए बी इज नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम इन पैरेलल विद कैपेसिटेंस ऑफ 0.5 माइक्रो फैरड। आर्म बी सी इज नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 700 ओहम एंड आर्म सी डी इज अननोन इंडक्टेंस एंड आर्म डी ए इज नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस 600 ओहम, ठीक है। चार आर्म दिए हैं ब्रिज सर्किट में, मैक्सवेल्स ब्रिज सर्किट में, जिसमें ए बी आपका नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल में आपका कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है यहाँ पे 1 ओहम और कैपेसिटेंस दिया है आपका 0.5 माइक्रोफैरड। आर्म बी सी आपका नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू दी है 700, 700 आपका आर थ्री रहेगा, ठीक है। देन कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 इंटू 10^4 माइनस 6 फैरड में इसको कन्वर्ट करना है, तो 10^4 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है इसको। आर्म सी डी आपका अननोन इंडक्टेंस है, यानी वो आर्म सी डी में एल वन कनेक्टेड रहेगा। देन आर्म डी ए इज नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 600, वो आर टू की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है अपना, एल वन इज इक्वल टू आर टू आर थ्री सी फोर, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। सो एल वन इज इक्वल टू आर टू की वैल्यू कितनी दी है 600 इंटू आर थ्री की वैल्यू कितनी दी है 700 इंटू
कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 × 10⁻⁶, तो इसको कैलकुलेट करोगे आप, एल वन की वैल्यू मिलेगी आपको 0.21 हेनरी। समझ लो अतिशय सुपर एग्जाम्पल है, 4 मार्क्सासाठी हे एग्जाम्पल तुम्हाला येऊ शकतो तुमच्या मेन एग्जाम मध्ये। ठीक आहे, तो ये हो गया आपका मॅक्सवेल्स ब्रिज का एग्जाम्पल। नाउ विल सी द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस बाय स्केरिंग ब्रिज। हमें अभी स्केरिंग ब्रिज यूज करके कैपेसिटेंस की वैल्यू मेजर करनी है। तो यहाँ पे भी ब्रिज सर्किट है ये अपना, ये जेड वन में क्या क्या कनेक्टेड है, आर वन एंड सी वन, या सी वन की वैल्यू हमें मेजर करनी है। तो ये अननोन कैपेसिटर रहेगा आपका, जेड टू में आपका प्योर कैपेसिटर सी टू कनेक्टेड है, जेड फोर में आपका सी फोर कनेक्टेड है, वेरिएबल कैपेसिटेंस रहेगा ये, और ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ये आर फोर रहेगा, और जेड थ्री में आपका प्योर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर थ्री। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो रहेगा आपका ई वन, ई टू, ई थ्री एंड ई फोर, और ये आपका ई एम एफ सोर्स है। सो स्टीयरिंग ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ अननोन कैपेसिटेंस सी वन इन सीरीज विद द आर वन। सी वन आपका सीरीज में है यहाँ पे आर वन के, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें मेजर करनी है ये कैपेसिटेंस। सो सी टू आपका स्टैंडर्ड फिक्स्ड कैपेसिटेंस रहेगा, सी टू, ये सी टू आपका स्टैंडर्ड फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, एंड आर थ्री स्टैंडर्ड फिक्स्ड रेजिस्टेंस है आपका, आर फोर एंड आर सी थ्री आर दी वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस है एंड वेरिएबल कैपेसिटर है। ये आर फोर आपका नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ये आर फोर वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, और सी फोर आपका वेरिएबल कैपेसिटर, सी थ्री आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, नाउ द डिटेक्टर में बी वाइब्रेशन गैलोनोमीटर और हेडफोन। यहाँ पे डिटेक्टर आपका क्या रहेगा, एक वाइब्रेशन गैलोनोमीटर या फिर हेडफोन भी रहेगा आपका। ठीक है, सो लेट जेड वन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, आर वन प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी वन, क्योंकि आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। सो जेड वन का फॉर्मूला हम आर वन प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी वन लिख सकते हैं, जेड टू का फॉर्मूला वन अपॉन जे ओमेगा सी टू रहेगा, जेड थ्री प्योर है, प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है इसमें, तो आर थ्री वैल्यू रहेगी, जेड फोर चा फॉर्मूला आर फोर आणि तिथला सी थ्री पॅरल मध्ये, सो आर फोर इन पॅरल विथ वन अपॉन जे ओमेगा सी थ्री लिहिलं आपण। नाउ ऍट बॅलन्स कंडिशन फॉर्मुला आपला काय लिहू शकतो आपण, झेड वन झेड फोर इज इक्वल टू झेड टू झेड थ्री। झेड वन चा फॉर्म्युला काय लिहिलं आपण, आर वन प्लस जे वन अपॉन जे ओमेगा सी वन, आणि झेड फोर चा फॉर्म्युला काय लिहिलं आपण, आर फोर डिवायडेड बाय वन प्लस जे ओमेगा सी थ्री आर फोर इज इक्वल टू आर थ्री एज इट इज असेल वन अपॉन जे ओमेगा सी टू असेल। ठीक आहे, आर थ्री म्हणजे झेड थ्री चा फॉर्म्युला आहे, आणि झेड झेड टू चा फॉर्म्युला काय आपला, वन अपॉन जे ओमेगा सी टू, सो जे झेड टू चा फॉर्म्युला वन अपॉन जे ओमेगा सी टू। आता यामध्ये आर वन प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी वन इंटू आर फोर इज इक्वल टू आर थ्री डिवाइडेड बाय जे ओमेगा सी टू इन ब्रॅकेट, ही टर्म इकडे गेली आता, सो वन प्लस जे ओमेगा सी थ्री आर फोर राहील इकडे। ठीक आहे, इकडे डिनोमिनेटरला इकडे गेल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन मध्ये आली ती आर थ्री अपॉन जे ओमेगा सी टू च्या, याच्यावरून मल्टिप्लाय करून घेतलं आपण ब्रॅकेटमध्ये, आर वन आर वन आर फोर प्लस आर फोर डिवायडेड बाय जे ओमेगा सी वन इज इक्वल टू आर थ्री डिवायडेड बाय जे ओमेगा सी टू प्लस जे ओमेगा सी थ्री आर फोर आर थ्री डिवायडेड बाय जे ओमेगा सी टू, याच्यावरून आर वन प्लस आर फोर प्लस आर आर वन इंटू आर फोर प्लस आर फोर डिवायडेड बाय जे ओमेगा सी वन इज इक्वल टू काय लिहू शकतो फॉर्म्युला आपण, आर थ्री डिवायडेड बाय जे ओमेगा सी टू ॲज इट इज प्लस, यामधलं काय कॅन्सल झालं, जे ओमेगा कॅन्सल झालं, तो सी थ्री आर फोर आर थ्री डिवाइडेड बाय सी टू हा फॉर्मुला मिळाला आपल्याला। सो यहां से हमें इक्वेट करना है फिर से रियल टर्म्स एंड इमेजिनरी टर्म्स को, तो रियल टर्म क्या है आपकी, आर वन आर फोर इज इक्वल टू सी थ्री आर फोर आर थ्री डिवाइडेड बाय सी टू, सो इससे आर वन का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, आर वन इज इक्वल टू सी थ्री आर थ्री डिवाइडेड बाय सी टू, सो यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल गया रियल टर्म को इक्वेट करके। अभी इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करके फॉर्मूला निकालना है सी वन का, सो
R4 divided by J omega C1 is equal to R3 divided by J omega C2. J omega जो omega cancel हो जाएगा. R4 divided by C1 is equal to R3 divided by C2. यहाँ से C1 का formula क्या मिलेगा? R4 divided by R3 into C2. समझ में आया? तो ये फॉर्मूले आपको जो फाइनल डिराइव किए हैं हमने सारे बीचर्स में, वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर का एग्जांपल आपको सॉल्व करने आना चाहिए. तो इसका एग्जांपल देखेंगे स्केरिंग ब्रिज का. तो क्या है, देखो एग्जांपल में क्या दिया है. द स्केरिंग ब्रिज एम्प्लॉयज अ स्टैंडर्ड एयर कैपेसिटर C2 ऑफ 100 पिको फैरड. स्केरिंग ब्रिज में एक स्टैंडर्ड एयर कैपेसिटर कनेक्ट किया है C2, जिसका वैल्यू 100 पिको फैरड दी है. एंड अ नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस है R4, जिसकी वैल्यू है 300 ओम इन पैरेलल विद अ वेरिएबल कैपेसिटर C4. ये R4 आपके पैरेलल में है, R3 R4 यानी आपका 300 ओम रहेगा, वो पैरेलल में रहेगा आपके C4 के, वेरिएबल कैपेसिटर C4 के पैरेलल में रहेगा. देन वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 बैलेंस इज ऑब्टेन विद C3 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोफैरड. वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 बैलेंस इज ऑब्टेन विद C3. C3 आहे तिथं, त्याची व्हॅल्यू दिलेली 0.4 मायक्रोफॅरड, आणि तिथे R3 पण दिलेलं आहे 250 ओम. सो कॅल्क्युलेट द कॅपॅसिटन्स CX अँड रेजिस्टन्स RX. तो RX का फॉर्मुला क्या है, अभी फॉर्मुला डिराइव किया C3 डिवाइडेड बाय C2. ये देखो C3 डिवाइडेड बाय C2 इंटू R3, वैल्यू पुट करो इसमें. C3 की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू माइक्रोफेरड को फैरड में कन्वर्ट करो, 10^-6 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय. अभी C2 की वैल्यू कितनी दी है, सो C2 की वैल्यू यहाँ पे दी है पिको फैरड. सो पिको का कन्वर्ट करना है आपको फैरड में. सो 100 इंटू 10^-12 इंटू R3 की वैल्यू कितनी दी है 250. तो यहाँ से RX कितना मिलेगा आपको, 1 मेगा ओहम. वैसे सिमिलरली CX की वैल्यू निकालो. तो CX का फॉर्मूला क्या है अपना, R4 डिवाइडेड बाय R3 इंटू C2. तो R4 कितना है आपका 300, R3 कितना दिया है 250 इंटू C2 की वैल्यू हर फिर से कितना दिया है 100 इंटू 10^-12. तो यहाँ से CX निकालो, वो आएगा आपका 120 फैरड. क्लियर है? तो ऐसा ये एग्जांपल आपको पूछते हैं मेन एग्जाम में 4 मार्क के लिए. नेक्स्ट एग्जांपल है स्केरिंग ब्रिज कंसिस्ट ऑफ नॉन इंडक्टिव रजिस्टर ऑफ 100 ओम, अनदर नॉन इंडक्टर रजिस्टर ऑफ 309 ओम इन पैरेलल विथ अ प्योर कैपेसिटर ऑफ 0.5 माइक्रोफेरड एंड अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर ऑफ 109 पिकोफेरड. फाइंड द सीरीज कैपेसिटेंस एंड रजिस्टर्स. क्या क्या दिया है देखो इस एग्जाम्पल में. स्केरिंग ब्रिज कंसिस्टिंग ऑफ नॉन इंडक्टिव रजिस्टर, इसकी वैल्यू दी है 100 ओम. दूसरा है अनदर नॉन इंडक्टिव रजिस्टर है, उसकी वैल्यू दी है 309 ओहम इन पैरेलल विथ. ये जो 309 ओहम का जो रजिस्टर है वो पैरेलल में रहेगा आपके वहाँ कैपेसिटर में, कैपेसिटर के प्योर कैपेसिटर है ये 0.5 माइक्रोफैरड का, और एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर है आपका 109 पिकोफैरड का, और वहां पे आपको फाइंड करना है सीरीज कैपेसिटेंस है सीरीज रेजिस्टेंस को, ठीक है? तो इसके आंसर यहाँ पे दिए हैं, आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है, ठीक है? और उसके आंसर इतने आते हैं कि नहीं आपको मुझे बोलना, ठीक है? तो इसको सॉल्व करो जैसे हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया है, सेम इसी तरीके से वैल्यू आपको पुट करने हैं और आंसर निकालने हैं, ठीक है? तो इसके वैल्यू इतने आते हैं क्या, ये आपको सॉल्व करके मुझे बताना है, ठीक है? So, we'll stop here, ठीक है? So, thank you for watching this video lecture again. We'll meet in the next lecture. Thank you very much.